नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इसे बनाना सीखेंगे। ये एक ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर है, तो चलिए शुरू करते हैं और इसे बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक आईआर एलईडी और एक फोटोडायोड। उसके बाद इस आईआर एलईडी का पॉजिटिव पॉइंट हम इस फोटोडायोड के नेगेटिव पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 10K प्रीसेट और एक 100 ओम रजिस्टर। उसके बाद इस प्रीसेट का ये दो पॉइंट्स हम एक साथ इस फोटोडायोड के पॉजिटिव पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 100 ओम रजिस्टर को हम इस प्रीसेट के इस पॉइंट के साथ और इस आईआर एलईडी के नेगेटिव पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट हम इस प्रीसेट के इस पॉइंट के साथ और इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट हम इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक मिनी डीसी पंप और एक प्लास्टिक का पाइप। उसके बाद इस पाइप को हम इस पंप के साथ ऐसे लगा देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा कोई भी एक प्लास्टिक का बोतल। उसके बाद बोतल के कैप में हम ऐसा दो होल कर देंगे। अब हम इस पंप को बोतल के अंदर की तरफ रख के पंप का पाइप इस होल में से और पंप का तार इस होल में से बाहर की तरफ ऐसे निकाल देंगे। अब हम इस सर्किट को बोतल के कैप के ऊपर एक डबल साइडेड टेप के टुकड़े से ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद पंप का पॉजिटिव तार हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ और पंप का नेगेटिव तार हम इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों, इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ हम 5 वोल्ट पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे इस सर्किट को पावर सप्लाई देने के लिए। तो दोस्तों, ये ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर अपने घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।